यशोमती मैया के नंद लाला। शांत हो जाइए आप सब, शांत हो जाइए। लल्ला के दर्शन अवश्य मिलेंगे, पर आप सबको हमें एक वचन देना होगा कि सुरक्षित दूरी से ही आप लल्ला के दर्शन करोगे और शांतिपूर्वक वापस लौट जाओगे। आपकी बहुत बहुत कृपा नंदराज, आपने हम लोगों को बहुत बड़ा उपकार किया है। नारायण अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। नंदराज की जय, नंदराज की जय, नंदलाला की जय, नंदलाला की जय। जी कैसी ध्वनि आ रही है लल्ला, मैं देख के आऊं? अभी आई तेरी मैया? अच्छा तो यहाँ है तू। ये लोग लल्ला को देखने के लिए उत्सुक रात भर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। देख अब तो आसपास कोई भी नहीं, केवल तू और मैं, और अब तो वो दिव्य प्रकाश भी नहीं है। अरे कैसा प्रकाश, अवश्य औषधि के प्रभाव में मति भ्रम हुआ होगा मुझे। वैसे एक बात तो है, तू है बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भोला भाला, निर्दोष। धन्यवाद, आभार। कौन कौन बोला? इधर उधर मत देखो ढोंगी महाराज, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसके लिए कंस ने आपको यहाँ भेजा है। फिर से वही प्रकाश, अर्थात मति भ्रम नहीं था, तू ही है वो दिव्य बालक। देख तेरी वास्तविकता का पता चल ही गया मुझे। इतनी भक्ति करोगे तो दर्शन तो देने ही पड़ेंगे ना। भक्ति तेरी, वो भी मैं भक्ति करूँगा। आते ही दंडवत प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ाया और आज तो भोर से ही मेरे मंत्रों का जाप कर रहे हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कहो क्या चाहिए मुझसे? तू बिट्टे भर का बालक, तू भला मुझे क्या देगा? बार बार गिरे पड़े, थप्पड़ और डंडा भी खाया, फिर भी बुद्धि नहीं आई महाराज। तू अबोध बुद्धि की बात करता है? सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं मुझे। तूने देखा नहीं कल कैसे मैंने सभी को गोकुल के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया, केवल मुझे प्रवेश मिला। ये है मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि। उसे बुद्धि नहीं कपट कहते हैं। तो कपट है सही, किंतु मेरा कपट काम तो आया। किसी और को तेरे दर्शन नहीं मिले, मुझे मिले। कपट से दर्शन मिल सकते हैं, आशीर्वाद नहीं। अरे तेरा आशीर्वाद चाहिए भी नहीं मुझे। पर उन्हें तो चाहिए। नंदराज की, नंदराज की, नंदराज की, नंदराज की, नंदराज की।
मूर्ख हैं वे लोग। यदि कंस के दरबार में जयकार करते तो आशीर्वाद में कुछ मिल भी जाता, यहाँ क्या मिलेगा उन्हें? स्वयं ही देख लेना। वो तो मैं देख ही लूंगा। चिंता ना करो उपनंद भैया, उनके साथ कछु ना होगा हमारे लल्ला को। आओ। महाराज, ईश्वर बचाए कुदृष्टि से आपके बालक को। आइए आइए, बाहर हमने भीड़ का स्वर सुना तो बालक की रक्षा के लिए तुरंत यहाँ आ गया। धन्यवाद लल्ला। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, चलो सब दर्शन कर दे। अरे, अरे भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ठहरिए, अरे रुकिए आप, ठहरिए, ऐसे नहीं, ठहरिए, सब एक एक करके जाएंगे, ऐसे एक साथ नहीं। अरे अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे अरे सुनिए, अरे रुको, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? रुकिए, एक साथ नहीं, देखिए एक एक करके। अरे सुनिए सुनिए, अरे शांत हो जाइए आप सब लोग, धीरज धरिए। अरे धीरज धरिए, सबको दर्शन हो गए। लगता है अब मुझे ही संभालना होगा इन सबको। तारनहार जब से हमारे पोते को पूतना ने खाया, हमारी बहू पत्थर बन गई थी। आज पहली बार आपके लल्ला को देखकर जैसे जीवन लौट आया है इसमें। जसोदा रानी, आपका लल्ला आशा की किरण बन के आया है, सूरज सा चमकेगा ये। कोई दुष्ट कोई राक्षस इसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा, और कभी किसी ने प्रयास भी किया तो उसका परिणाम वैसा ही होगा जैसा पूतना का हुआ था। सुना ढोंगी महाराज, जो मेरे लिए आशीर्वाद है वही आपके लिए है श्राप। मैं तुझसे भयभीत नहीं हूं, और अब तो तुझे मेरा सत्य भी पता चल चुका है विष्णु के अवतार। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अब तो तेरे प्राण लेकर ही रहूंगा मैं। आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है।